इस बार करवा चौथ पर चांद कितने बजे निकलेगा? ये करवा चौथ 2024 के त्योहार को लेकर पूजा महत्व, शुभ मुहूर्त और चांद निकलने के समय समेत आइए देखते हैं करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा इस साल, चंद्रोदय का समय और करवा चौथ की पूजा विधि भी जानेंगे दोस्तों। करवा चौथ व्रत तिथि और मुहूर्त के साथ ही कुछ व्रत के नियम और सावधानियां भी माताओं बहनों को देखनी चाहिए। घर परिवार में सुख शांति के क्या उपाय हैं, पति पत्नी के बीच अक्सर अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके क्या उपाय हैं जानेंगे, वहीं पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के उपाय भी आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों करवा चौथ से जुड़ी एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस त्योहार पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। महिलाएं माताएं बहने चांद देख करके ही अपना व्रत खोलती हैं, तो करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना भी करती हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक दोस्तों करवा चौथ की जो तिथि है वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो कि इस बार कल 20 अक्टूबर को पड़ रही है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत कल 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 पर होगी और इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। वहीं करवा चौथ के लिए दो पूजन के शुभ मुहूर्त भी मिलेंगे। पहला अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक। इस अभिजीत मुहूर्त में माताएं बहने भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, माँ पार्वती की पूजा कर सकती हैं और भी आप अपने किसी भी आराध्य देव की पूजा करके अपने जीवन में सुख शांति की कामना कर सकती हैं। हालांकि ध्यान रखें इस समय व्रत नहीं खोलना है, व्रत खोलने का समय शाम को चांद निकलने के बाद रहेगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोपहर में फिर एक दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:59 से 2:45 तक। ये भी विजय मुहूर्त रहेगा, तो काफी अच्छा शुभ मुहूर्त है। आप अपने पति के जीवन में हर कार्य में विजय हासिल करवा सकती हैं इस मुहूर्त में भगवान शिव गौरी की पूजा करके। अब देखते हैं करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, लेकिन ये जानने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देख लीजिए। करवा चौथ की पूजन सामग्री क्या रहेगी, पूजा की थाली में इन सामग्रियों में से जितनी हो सके सभी सामग्रियां शामिल करने की कोशिश करें, जैसे लकड़ी का आसन, देसी घी, पान, सिंक, कलश, हल्दी, रोली, मौली, मिठाई, छन्नी, लोटे में भरने के लिए चावल, दान की सामग्री, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी और कुछ फूल रखने हैं, पुष्प, फिर मिट्टी या तांबे का करवा रखना है और ढक्कन और करवा चौथ का व्रत कथा का किताब। ये पूजन सामग्री में आपको चीजें शामिल करनी है अपनी पूजा की थाली में, ठीक है। फिर आती है करवा चौथ की पूजा विधि क्या रहेगी। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्यार, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना गया है। पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का ये महापर्व है। इस दिन महिलाएं, माताएं, बहने चंद्रमा की पूजा कर चंद्रदेव से आशीर्वाद मांगती हैं। तो भगवान शिव, कार्तिकेय के साथ श्री गणेश जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा की विधि क्या क्या रहेगी देख सकते हैं आप। करवा चौथ के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें, पूजा घर की सफाई करें, फिर सासू माँ द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करना है जिसे शर्गी वगैरह ऐसा कुछ कहा जाता है ना। फिर व्रत का संकल्प लेना है और इस बार तो करवा चौथ पर भद्रा का समय भी रहेगा सुबह सुबह, तो उससे पहले शर्गी खा लें और व्रत का संकल्प ले लें माताएं बहने। ये भद्रा का समय कब रहेगा मैंने आपको कल ही बताया था डीएलएस न्यूज चैनल पर। करवा चौथ पर भद्रा सुबह सुबह रहेगी, हालांकि बहुत ही कम समय तक रहेगा, केवल 20 मिनट का भद्रा काल रहेगा। सुबह 6:48 तक भद्रा रहेगा, 6:24 से शुरू होगा और 6:46 तक रहेगा। तो या तो सुबह 7:45 के बाद माताएं बहने जो है व्रत का संकल्प लें सर्गी खाकर, या सुबह 6:30 से पहले पहले 6:15 से पहले ले लें तो और ज्यादा बेहतर है, ठीक है। सर्गी सुबह 4:30 तक भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले भद्रा राहु वगैरह कुछ नहीं रहेगा। लेकिन 20 अक्टूबर को राहु काल शाम के समय लगेगा, तो इस दरमियान आपको ध्यान रखना है राहु काल के दौरान व्रत का समापन नहीं करना है। कल रविवार 20 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:02 से शाम को 5:45 तक। तो ये तो अच्छी बात हुई महिलाओं के लिए कि राहु काल के समय चंद्रमा निकलेगा ही नहीं, तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि व्रत उसके बाद ही खुलने वाला है। चांद का समय क्या रहेगा ये भी अपन जानेंगे। इससे पहले देखिए करवा चौथ पर इन बातों का जरूर ध्यान रखें। कुछ पॉइंट्स हैं, करवा चौथ की पूजा करने के बाद करवा विवाहित महिलाओं को ही बांट देने चाहिए। निराहार रहकर दिन भर गणेश मंत्र का जाप करें। रात के समय चंद्रदेव के उदय होने के बाद परंपरा के अनुसार उनको विधि पूर्वक जल अर्घ्य प्रदान करें। फिर गणेश जी चतुर्थी माता को भी जल अर्घ्य दें। ध्यान रखें कि व्रत करने वाले नमक युक्त भोजन से दूर रहें और व्रत कम से कम 12 या 16 साल तक करना चाहिए करवा चौथ का। उसके बाद उद्यापन कर सकती है माताएं बने, लेकिन लाइफ टाइम भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करवा चौथ के व्रत के कुछ नियम और सावधानियां भी देख लीजिए। करवा चौथ केवल सुहागिन महिलाओं के लिए होता है जिनका रिश्ता तय हो चुका है, मतलब जिन लड़कियों की सगाई हो गई है, भले ही शादी नहीं हुई है, तो वो भी करवा चौथ का व्रत रह सकती है, लेकिन जिनकी सगाई भी नहीं हुई है वो ना रखें, ठीक है। और ये व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है, मतलब सुबह सूर्योदय से पहले व्रत शुरू हो जाता है।
जो कि शाम को चंद्र उदय होता है तब तक व्रत रहता है। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत भी करती है, मतलब कुछ खाती पीती तो नहीं है लेकिन पानी भी नहीं पीती है। तो महिलाएं माताएं बहने अपने अपने स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रख सकती है, जरूरी नहीं कि आप सब निर्जला व्रत ही रखें। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे व्रत करने वाली महिलाएं काले या सफेद वस्त्र न पहने, आप पीला लाल वगैरह ये वस्त्र पहन सकती है क्योंकि ये रंग शुभ होता है। और इस दिन पूर्ण श्रृंगार करके फिर पूर्ण भोजन करना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए, ठीक है। चलिए करवा चौथ में सुख शांति के कुछ उपाय देखिए। मध्य रात्रि को पीले वस्त्र धारण कर भगवान गणेश के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीला वस्त्र और हल्दी की दो गांठ अर्पित करें। इसके बाद ओम गंगणपतये नमः नमः इस मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ बांधकर अपने पास रख लें। ये जो लोग अपने घर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो वह करवा चौथ की आधी रात ये उपाय टोटका जरूर करें। इसके अलावा पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ उपाय बताता हूँ। ये ज्योतिषीय उपाय है दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो इन उपायों को जरूर अपनाएं, बाकी मेरा मकसद कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है। तो पति पत्नी के बीच लव प्रेम प्यार को बढ़ाने के लिए क्या उपाय है देखिए, आप करवा चौथ की रात के समय पीले या लाल वस्त्र धारण कर एक लोटा जल में सफेद चंदन मिलाएं और फिर नजर नीचे करके चंद्रमा को अर्घ्य करें। उसके बाद शिव जी का ध्यान करके निम्न मंत्र का जाप करें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का जप करने के बाद वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने की प्रार्थना करें। आप ईश्वर से भोलेनाथ से ये मनोकामना मांगे कि हम दोनों के बीच प्यार प्रेम बढ़े, विश्वास अटूट रहे, है ना। तो ये तो बातें हो गई करवा चौथ के व्रत की, संपूर्ण डिटेल मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको और कोई YouTube पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं रही। अब देखते हैं दोस्तों चंद्र उदय का महत्वपूर्ण समय क्या रहेगा इस बार, ठीक है। तो वैसे तो ज्यादातर शहरों में चांद लगभग 8 बजे के समथिंग दिखेगा, लेकिन फिर भी कुछ अलग अलग शहरों के हिसाब से टाइमिंग आप ये देख सकते हैं, मैंने चार्ट में डाल दिया पूरा। जैसे दिल्ली में 7:53 पर यानी लगभग 8 बजे से 7 मिनट पहले दिख जाएगा, नोएडा में 7:52 पर, मुंबई में 8:30 बजे। तो ऑलमोस्ट देश भर के ज्यादातर शहरों में 7:45 से लेकर 8:30 तक इस दरमियान चांद दिख जाएगा, ठीक है। अगर मौसम साफ रहा तो कुछ शहरों में बादल वगैरह छाने की वजह से थोड़ा लेट दिख सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 9 बजे तक 9 से पहले पहले सभी शहरों में चांद दिख जाएगा। तो तब माताएं बहनें चांद देखकर व्रत का पारण करें। बाकी आप सभी माताओं बहनों महिलाओं को करवा चौथ के त्योहार की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में पति पत्नी के बीच आपसी प्यार विश्वास हमेशा अटूट रहे, आप हमेशा सुहागिन रहें। इन्हीं शुभकामनाओं और मनोकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे इस वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री गणेशाय नमः। जय करवा चौथ माता।